अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश शीप डॉग। जो शीप डॉग है उसकी पहचान है एक कोट जो इसके पूरे शरीर पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके शरीर पे बहुत ही मोटा कोट होता है और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एजाइल होते हैं। ओल्ड इंग्लिश शीप डॉग को ओस भी बोलते हैं, मतलब इनका निक नेम है। और इनके लिए कोई भी टास्क इनकम्प्लीट नहीं है, कोई भी अगर इन पर टास्क दिया जाए तो ये अपनी बुद्धि अपनी समझ के हिसाब से उस टास्क को करेंगे। और जो गटेरे होते हैं, जो शीप चलाते हैं, और जो ड्रोवर्स होते हैं जो अपनी शीप्स को एक साथ रखते हैं, उनके लिए ये डॉग मतलब एक नंबर है। मतलब उन्हें ये डॉग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके जैसा इंटेलिजेंट अडैप्टेबल और स्मार्ट डॉग अभी तक नहीं है। दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है, मतलब अपने दिमाग से काम करने की, और ये अपने दिमाग के हिसाब से हर चीज़ का हल निकाल सकता है। तो अब दोस्तों इसकी पर्सनालिटी पे आते हैं। तो इसकी पर्सनालिटी जैसे बता चुका हूँ, बहुत अडैप्टेबल है, स्मार्ट है, जेंटल है, और इसका जो नेचर है वो बहुत स्वीट है। इसे स्वीट नेचर वाला डॉग बोला गया। और ये वर्किंग ग्रुप में है तो लोगों के लिए आसानी होती है इनसे काम करवाना, मतलब काम तो नहीं करवाना चाहिए, मतलब इनसे मदद लेना। अब एनर्जी लेवल की बात करते हैं, समवट एक्टिव होते हैं, बहुत ही मेलो हाउस डॉग होते हैं। हाउस डॉग तो नहीं बोलेंगे ये, मतलब फार्म्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं डॉग। और ये इन्हें लॉन्ग वॉक बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा ये दौड़ने में, मतलब एक बहुत दूर तक दौड़ना होता है उसके लिए अपने आप को ये बहुत सक्षम मानते हैं। बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत है। दूसरे डॉग्स के साथ भी बिहेवियर अच्छा है, उसमें भी सुपरविजन की ज़रूरत है। शेडिंग सीजनल होती है, ग्रूमिंग वीकली होती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप ग्रूमिंग कैसी करना चाहते हैं। इसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप पे है, या तो उस बालों को सिल्की करके इन्हें डॉग शोज़ में लेके जाइए, नहीं तो मतलब छोटे भी रख सकते हैं, छोटे करके भी डॉग शोज़ में लेके जा सकते हैं, वो ओनर पे होता है इन्हें कैसे रखना है। ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड अच्छे से करते हैं, गडेरे हैं तो मतलब गडेरे यूज़ करते हैं इन्हें, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाइट मेल की 22 इंचेस की होती है उससे ज़्यादा, और फीमेल की होती है 21 इंचेस से ज़्यादा। वेट दोनों मेल फीमेल का 60 से 100 इंचेस का पाउंड का होता है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आते हैं तो 10 से 12 साल की उम्र तक ये जीते हैं। अब बाकिंग लेवल उतना ही भोगते हैं जितनी ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कि इनकी रैंक क्या है एज पर अमेरिकन कैनल क्लब। 75th रैंक पे आते हैं एज पर पॉपुलैरिटी बेस्ड रैंकिंग होती है, और इनकी हिस्ट्री 1888 से शुरू हुई। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।